हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी को। प्लांट फिजियोलॉजी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चैप्टर्स को देखें तो 5 चैप्टर्स आर देयर इन योर प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। सो पिछले लेक्चर में मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा के बारे में बताया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि प्लांट फिजियोलॉजी में पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का हम लोग डिटेल में वीडियोस हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम्स हैं फाइनल, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का सेशन डालना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को, ठीक है। सो देखिए, प्लांट्स में कैसे फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओवरऑल हम लोगों को ये पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, एक मेल्विन केल्विन ये साइंटिस्ट है जिनके नाम पे हम लोगों ने C3 साइकिल, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं, रखा हुआ था, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को भी हम लोग 6 वीडियोस में कवर करेंगे। पहला वीडियो हमारा होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा होगा प्लांट वाटर रिलेशंस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, देन ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, देन हम लोग फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। सो चलिए बेसिक से हम लोग, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे फोकस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज, वाटर कैसे प्लांट्स में, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनमें कैसे पहुँचता है, क्या आपने कभी सोचा? उनके पास तो ब्लड वेसल का सिस्टम नहीं है, बट दे हैव विच सिस्टम, दे हैव वैस्कुलर सिस्टम। इनके पास कौन सा सिस्टम मिलेगा स्टूडेंट्स? वैस्कुलर सिस्टम। और वैस्कुलर सिस्टम में ही हम लोग बात करते हैं किसकी? जाइलम और फ्लोएम की। और इन ब्रीफ अगर मैं बता दूं तो मुझे जाइलम और फ्लोएम का ही पूरा कंसेप्ट आपको समझाना होगा। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यही सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, मच मोर देन एनिमल्स। बहुत लंबे डिस्टेंस तक लेकर जाना होता है। आपने देखा होगा प्लांट की बॉडी कितनी बड़ी है। ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ट्री का बहुत सारे ईयर्स उनकी एज होती है। दे डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन हम लोगों के पास तो आर्टरी हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, हमारे पास पूरा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट्स में एब्सेंट होता है। तो उसकी जगह मैंने आपको बताया कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होगा? वैस्कुलर सिस्टम। सो वाटर टेकन अप बाय रूट्स हैज टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, सभी प्लांट्स के पार्ट में पहुंचना है, अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। एंड द फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स हैव आल्सो बीन मूव्ड। जो फूड प्लांट ने बनाया है फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी होगी क्लास 10th में भी। तो ये जो हम लोग फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना रहे हैं उसको भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग द रूट्स, रूट्स को भी खाना पहुंचाना है, क्योंकि आपको पता है फूड कौन बनाता है प्लांट्स में? लीव्स बनाती हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को करती हैं। तो भाई कोई प्लांट है अगर, तो उसको फूड ऊपर भी पहुंचाना है, स्टेम में भी पहुंचाना है और रूट्स में भी पहुंचाना है, ठीक है। रही बात अगर हम वाटर के मूवमेंट की बात करें, तो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, तो वो हमेशा ऊपर होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो वाटर का मूवमेंट जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि फूड का मूवमेंट जो होता है कैसा होता है स्टूडेंट्स? बाय डायरेक्शनल, क्योंकि ऊपर नीचे उसको दोनों ही जगह फूड को पहुंचाना होता है। सो मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस से विद इन द सेल, विद इन द सेल की अगर बात करें तो हम लोग उसको शॉर्ट डिस्टेंसेस में रखते हैं। अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम द सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज टू टेक्स प्लेस। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस, वन वुड हैव टू रिकलेक्ट द बेसिक नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर। पहले हमें सेल को समझना होगा और प्लांट की क्या एनाटॉमी होती है। यू ऑल्सो नीड टू रिविजिट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब क्या होते हैं। सम बिसाइड गेनिंग सम नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस, व्हेन वी टॉक ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस वी नीड फर्स्ट टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, कैसा मूवमेंट होगा वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। अगर हम किसी फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जो सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, मींस प्लांट हार्मोन्स बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से जाने जाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। सो स्मॉल डिस्टेंसेस की अगर बात करें तो जो सब्सटेंस होंगे वो मूव करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन में स्टूडेंट्स क्या होता है? देयर विल बी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
either solid or liquid from higher concentration to lower concentration. वाटर का भी हो सकता है, लिक्विड मीन्स लिक्विड का भी हो सकता है और गैसेस का भी हो सकता है. बस आपको पॉइंट क्या याद रखना है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीड्स थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम. जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा मार्क कर लें एनसीईआरटी में, कि जो जिस ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा वैस्कुलर सिस्टम्स के थ्रू, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलेंगे. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसीडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे जरूरी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है और जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो बाय डायरेक्शनल होगा, क्योंकि फूड बनेगा लीव्स में. इन रूटेड प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें, जो ट्रांसपोर्ट जाइलम में होगा वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम रूट टू स्टेम. ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. इस पॉइंट को भी आप इस पैराग्राफ को मार्क कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडेमिक एज वेल एज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज होंगे, ठीक है, फोटोसिंथेटिक लीव्स में, फोटोसिंथेटिक लीव्स में जो बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स, एंड फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड. जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको यूज किया जाएगा रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इन द स्टेम. देखिए होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फोटोसिंथेटिक लीव्स से एक्सपोर्ट किए जाते हैं सभी पार्ट में, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स. From the storage organ, they are later re-exported. ठीक है? The mineral nutrients are taken up by the roots and transported towards up the stem, leaves and the growing regions. When any plant part undergoes senescence, जब कोई plant senescence में जाता है, तो nutrients may be withdrawn from such regions and move to the growing parts. हॉर्मोन्स, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और कुछ केमिकल सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत ही छोटे स्मॉल अमाउंट में एंड समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज टू द अदर पार्ट. अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक होता है कंपाउंड का, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड ईच ऑर्गन रिसीविंग सब सब्सटेंसेस एंड गिविंग आउट सम अदर. सो देखिए, जो मैंने आपको बताया पॉइंट कि जो भी वाटर है, मिनरल्स हैं, जिनका भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है कि बाय डायरेक्शनल होता है, स्टोरेज ऑर्गन्स उनको रीएक्सपोर्ट किया जाता है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज होते हैं रूट से, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं स्टेम्स में, लीव्स में, ग्रोइंग रीजन्स में. जब कोई भी प्लांट का पार्ट सेनिसेंस में चला जाता है, सेनिसेंस मतलब एक तरीके की प्लांट की आप ओल्ड एज मान सकते हैं, ठीक है. सो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ओल्ड एज में जब चला जाएगा, न्यूट्रिएंट्स में भी विड्रॉन फ्रॉम सच रीजन्स एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है. हॉर्मोन्स और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होंगे और जो कुछ अलग केमिकल सिग्नल्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे बहुत स्मॉल अमाउंट में, सम टाइम इन स्ट्रिक्टली पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स. और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स होगा जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और हर एक ऑर्गन जो है वो रिसीव करेगा कुछ सब्सटेंस और कुछ अदर, गिविंग आउट सम अदर्स. सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी के इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को समझा कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्या होता है. तो अगला लेक्चर हमारा होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हम लोग डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे समझेंगे वन बाय वन. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून टू माय चैनल. आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.